दोस्तों पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री राधा रानी की 8 सखियां थी। 8 सखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। दोस्तों राधा रानी की इन 8 सखियों को ही अष्ट सखी कहा जाता है। श्री धाम वृंदावन में इन 8 सखियों का भव्य मंदिर भी स्थित है। आइए दोस्तों आपको अपने इस वीडियो में बतलाते हैं सखी विशाखा के बारे में कि कौन थी सखी विशाखा। दोस्तों पुराणों के अनुसार विशाखा का निवास स्थान आंजनौक था। आंजनौक गांव नंद गांव से लगभग 5 मील आग्नेय कोण में स्थित है। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका राधा के नेत्रों में अंजन लगाया था, इसलिए इसका नाम आंजनौक पड़ा। कहते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण को चुटकुले सुनाया करती थी और उन्हें चंदन का लेप लगाती थी। विशाखा राधा व कृष्ण के बीच दूती का कार्य भी किया करती थी। उनके पिता का नाम श्री पावन गोप और माता का नाम देवदानी गोपी था। दोस्तों वृंदावन के निधि वन में विशाखा नाम का एक कुंड है। कहते हैं कि रासलीला के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने राधा की सखी विशाखा की प्यास बुझाने के लिए अपनी बांसुरी से विशाखा कुंड खोद दिया था और कुछ मानते हैं कि श्री राधा ने अपने वेणु से कुंड प्रकाश कर उसके मीठे सुस्वादु जल से प्रिय सखी विशाखा की और अन्य सखियों की प्यास बुझाई थी। कालांतर में प्रसिद्ध भक्ति संगीतज्ञ स्वामी हरिदास ने इस विशाखा कुंड से भी बांके बिहारी ठाकुर जी की प्रतिमा को प्राप्त किया था। तो दोस्तों यह थी जानकारी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की सखी विशाखा सखी के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।